तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर, जो कि हमारा डेटा एडिटिंग मोड है कि हम रेंज में कैसे डेटा को ऐड करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक्सेल सीट पे किस तरीके से हम राइट करते हैं, साथ में आपसे एक प्रोजेक्ट भी करवाएंगे, क्योंकि पिछले दो प्रोजेक्ट मैंने किए थे, तो तीसरा प्रोजेक्ट मैं चाहता हूं कि आप करें। कोई एतराज तो नहीं है सर? चलिए बात करते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है मैंने, किसको नहीं मिला है? राजू जी आपको? चलिए ठीक है, मैं कर दिया, आप म्यूट भी कर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल पे किसी भी तरह का वैल्यू को कैसे डाला जाए। चलिए इसी पे हम आपके आज की क्लास दे रहे हैं। जैसे कि मुझे A1 पे कोई वैल्यू लिखना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा, लिखने का तरीका है रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, आप जो लिखना चाहते हो, अगर टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में, नंबर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। या दूसरा तरीका है, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ रेंज C1, मैं डॉट वैल्यू नहीं भी लगाओ फिर भी मैं लिख दूं तो टाइप हो जाएगा। या फिर मैं रेंज यहाँ B1 और यहाँ पे मैं C1 डॉट फॉर्मूला करूं फिर भी लिखूं तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही आपका जो लिखाएगा वही होगा। मतलब आप डॉट वैल्यू करके भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डॉट फॉर्मूला करके भी लिख सकते हो, तीनों में कोई फर्क नहीं है वैल्यू लिखते समय। लेकिन अगर आप किसी अनोदर सेल की वैल्यू किसी अनोदर सेल पे डाल रहे हो, जैसे कि मुझे यहाँ 54 पे, मुझे A1 पे मुझे F20 का रखना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे कि रेंज A1, अब जिस पे वैल्यू स्टोर होगी, मतलब जो रिसीवर होगा वो पहले आएगा, डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज यहाँ पे F1 डॉट वैल्यू, तो गिवर जो है आएगा। तो यह क्या होगा कि रन करते ही 20 यहाँ पे आ जाएगा। अगर F1 में कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, मतलब कि जो F1 का रिजल्ट जो है किसी फॉर्मूले के थ्रू आ रहा है, तो ये क्या करेगा, जस्ट 640 नॉर्मल वैल्यू लिखेगा, फॉर्मूले से इसको कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट वैल्यू लिखा हुआ है। अगर मुझे मतलब रखवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट फॉर्मूला करना पड़ेगा। डॉट फॉर्मूला करने पे क्या होगा कि इसके अंदर जो फॉर्मूला है उसको कॉपी करके इसके अंदर डाल देगा, समझे? तो यहाँ पे फर्क पड़ता है कि आप वैल्यू लिखे या फॉर्मूला लिखे, डिफॉल्ट वैल्यू होता है, यहाँ पे आपका फर्क पड़ जाता है। लेकिन अभी आपने देखा कि मैं सेम सीट पे करा रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कि मुझे C4 से C2 के B1 पे करवाना है, तो यहाँ पे रेंज होगा, रेंज यहाँ पे C2 डॉट रेंज B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज F1। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ मैंने सीट का नेम दिया, दूसरा तरफ सीट का नेम क्यों नहीं दिया? तो अगर यहाँ पे दे नहीं दिया तो आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप रन करो तो आपका C4 ही एक्टिवेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अगर इसके आगे नहीं दिया तो जो एक्टिव शीट होगी उसकी F1 की वैल्यू को उठाएगा और C2 के B2 में उसको डाल देगा। लेकिन आपको कंफ्यूजन है तो आप दोनों तरफ शीट्स का नेम दे सकती हो। रिकॉर्डिंग परमिशन दे दिया किनको रिकॉर्डिंग का परमिशन नहीं मिला? आशुतोष, आशुतोष। मैं सोच ही रहा था कि आप आज ज्वाइन क्यों नहीं किए।
तो यहाँ पे हमने शीट्स शीट्स शीट फोर और डॉट रेंज डाल दिया, तो डिफरेंट सीट टू डिफरेंट सीट। अगर आपके पास डिफरेंट फाइल हुआ तो यहाँ पे दोनों जगह पे फाइल का नेम दे देंगे कि वर्क बुक्स और यहाँ पे बुक वन डॉट, यहाँ पे बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट, और फिर यहाँ पे आपको वर्क बुक्स और यहाँ पे आपकी बुक टू डॉट एक्सएलएस एक्स। रिकॉर्डिंग के लिए ऑन कर दोगे? अब किनको रह गया रिकॉर्डिंग का? सबको तो दे दिया रिकॉर्डिंग परमिशन। सर नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि परमिशन। अच्छा इंदर जी लेट आया था? हाँ लेट आया सर। तो यहाँ पे हमने वर्कबुक मिल गया है परमिशन। इंदर जी? हाँ जी सर, मिल गया मिल गया। हमने रिकॉर्डिंग कहाँ स्टार्ट किया? हाँ वो होगी होगी, थैंक यू। तो यहाँ पे हमने फाइल लिखा, तो लेकिन याद रखिएगा कि बुक वन एंड बुक टू बोथ फाइल ओपन होनी चाहिए। ये क्या करेगा कि बुक टू की एफ वन डेटा को उठा के बुक वन के सीट टू में बी टू पे जाके डाल देगा। तो अगर आपको सेम फाइल में करनी है तो रेंज और रेंज लेंगे सिर्फ, सेम सीट में करनी है तो सीट और सीट लेंगे, सेम फाइल के अलग डिफरेंट डिफरेंट सीट पे करनी है तो डिफरेंट डिफरेंट फाइल में करनी है तो डिफरेंट डिफरेंट फाइल पे लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे हैंडल करें। समझ में आ गया सर? अब मान लीजिए कि मुझे एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूला, जो एक्सेल का फॉर्मूला होता है, उस एक्सेल वर्कशीट के फॉर्मूला को करना होता कैसे करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सीट हमें सीट वन पे ही रहता हूँ, मान लीजिए चलिए सीट वन पे रहता हूँ और हमारे पास नंबर्स है, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ बी टू बी वन पे इसको मल्टीप्लाई, इसको राउंड का फॉर्मूला लगाना है, जो हमारा राउंड का फॉर्मूला होता है मान लीजिए, या इंड का फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में इसको लगाना चाहता हूँ, नॉर्मल एक्सेल फॉर्मूला, वीवी का फॉर्मूला नहीं। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख सकता हूं कि रेंज बी वन डॉट वैल्यू, ये फॉर्मूला इंड का अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मुझे यहां पे पूरे में अप्लाई करना है, ये पूरे में। तो इसके लिए हम VVA का मेथड से लूपिंग वगैरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे VVA का मेथड नहीं, एक्सेल का मेथड लेके ही चलता हूँ, क्योंकि लूपिंग वगैरह हमने अभी तक पढ़ी नहीं है ना सर, इसलिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ ए रेंज बी वन पे अपना फॉर्मूला को डालेंगे, राइट। उसके बाद हम जाएंगे रेंज, यहाँ पे रेंज बी वन को हम कॉपी करेंगे, इसको बताना नहीं पड़ेगा कि फॉर्मूला कॉपी करना है या वैल्यू कॉपी करनी है? नहीं, पूरा कॉपी करेगा, कॉपी फॉर्मूला नहीं होता है, पेस्ट फॉर्मूला है, वैल्यू होता है, कॉपी सब कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे नीचे, अब जाएंगे नीचे से ऊपर, इसको सिलेक्ट करके हम पेस्ट करेंगे, सॉरी इस तरह से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि रेंज ए 65,000 डॉट एंड एंड एक्सेलेस अप अप डॉट ऑफसेट, और ऑफसेट में हम दे देते हैं 0.1 डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा,
ये करेगा कि आपके कर्सर को नीचे से ला के यहाँ 65,000 से लेके ऊपर जाएगा और ऑफसेट क्या करेगा कि एक कॉलम आगे चला जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे रो नहीं कॉलम डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहां लिखेंगे कि रेंज एक्टिव सेल से स्टार्ट करो और एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलस अप। अब एक्सेलस अप कर दूंगा तो दिक्कत क्या होगा कि ये हमारा ऊपर जो फॉर्मूला वाला पार्ट है कॉपी जो हुआ है वो भी ले लेगा, तो मुझे एक नीचे करके इसको यहां यहीं तक सिलेक्ट करके पेस्ट करना है। तो इस केस में हम लिखेंगे ऑफसेट, ऑफसेट 1,0 और फिर देंगे पेस्ट स्पेशल। ठीक है, तो हम यहां पे डायरेक्ट सिलेक्ट भी कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट पेस्ट स्पेशल भी कर दिया, मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डॉट सेलेक्ट और फिर हम लिखेंगे एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, सॉरी एक्टिव में ये होना ये छूट गया, तो पेस्ट कर देगा। लेकिन ये कॉपी एंड पेस्ट करेगा, लेकिन मुझे पेस्ट स्पेशल चाहिए, तो जैसे पेस्ट स्पेशल वैल्यू वगैरह चाहिए तो हम एक्टिव सीट डॉट पेस्ट को भूल जाएंगे और पेस्ट स्पेशल, क्योंकि पेस्ट स्पेशल जो है पार्ट ऑफ रेंज का है और यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो स्पेस दीजिए, यहाँ पेस्ट स्पेशल करते ही आप स्पेस देंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा कि पेस्ट ऑल स्टिक बॉर्डर कमेंट फॉर्मेट फॉर्मूला वैल्यू क्या चाहिए आपको। ठीक है ना, लेकिन मैं पेस्ट स्पेशल छोड़ देता हूँ तो पूरा ऑल पेस्ट करेगा, फॉर्मूला वैल्यू सब पेस्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने रन किया आप देखिए आपका डेटा कॉपी पेस्ट हो गया पूरा में, राइट। लेकिन ध्यान एक चीज, प्रॉब्लम क्या होती है, अभी इस प्रॉब्लम को समझिए। मैंने इफ का फॉर्मूला लगाया कि अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे ओके आए, अदरवाइज पेंडिंग आए। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि अगर ग्रेटर देन 50 है तो ओके आए, अदरवाइज पेंडिंग आए। अब प्रॉब्लम है कि इस फॉर्मूले को हम वीवीए में कैसे लिखें, क्योंकि वीवीए में जैसे ही मैं इसको इन्वर्टर कॉमा के बीच में लिखूंगा, जैसे इंट के जगह पर मैंने इसको लिखा तो क्या हो जाएगा, नहीं टेक्स्ट नहीं होगा, टेक्स्ट नहीं होगा। अब यहां से इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हो गया, समझ गए ना। वो कैसे जानेगा कि भाई ये ओके है, ओके का इन्वर्टर कॉमा है, पेंडिंग का इन्वर्टर कॉमा है, स्टार्टिंग क्लोजिंग है, ऐसा तो कुछ नहीं समझ रहा है। वो तो देखा कि यहां स्टार्ट हुआ, यहां क्लोज हो गया, और फिर यहां स्टार्ट हो रहा है, यहां क्लोज हो रहा है, तो ये एरर दे रहा है। प्रिंट करवाना है ना जैसा वैसा, तब क्या होगा। अब मैं देखिए प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ, अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पे देखिए इन्वर्टर कॉमा डाल दिया। तो अगर वीवीए के थ्रू किसी सेल पे कुछ टेक्स्ट विद इन इन्वर्टेड कॉमा अगर प्रिंट करवाना है तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है, समझ गए। तो इस तरह से आप एक्सेल के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक्सेल का फॉर्मूले का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, ज्यादा वीवीए मेथड ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ केस में एक्सेल के फॉर्मूले को ही हम चलने देते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला वीवीए में थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की डर रहता है इसलिए। ठीक है, ठीक है सर। ये एक्टिव सेल दो बार फॉर्मूला का क्या मतलब हो गया, कहां हमने एक्टिव सेल लिखा, एक्टिव सेल क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, याद होगा लास्ट क्लास में कि मैंने बताया था किसी को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास A1 और कॉमा C15 होता है। तो A1 स्टार्टिंग पोजीशन हो गया और C1 लास्ट एंड पोजीशन हो गया। तो एक्टिव सेल स्टार्टिंग पोजीशन है और एंडिंग पोजीशन है, एक्टिव सेल से एंड एक्सेलस अप, वहां से एक रो नीचे, मतलब वो यहां कर, यानी कि ये जो कमांड मारेगा,
यहाँ कंट्रोल करेगा, यहाँ जाएगा और इसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट मेथड है, आप लास्ट क्लासेस की वीडियोस पर देख लीजिए, आपको और समझ में आ जाएगी। सर वो जो आपने वीडियो तो तीन ही है, लास्ट क्लास, लास्ट सिलेक्शन, रेन सिलेक्शन की क्लास, इसमें आप थे, आपने रिकॉर्डिंग किया था। ओके, उसके अलावा अब बात आती है प्रोजेक्ट की। तो कल मैंने व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा था आप लोगों को, सेंड डेटा वन सीट टू अनदर सीट यूजिंग द वीवीए फॉर्म मेथड। किस किस ने नहीं देखी है? मैंने नहीं देखी सर, मैंने कल भेजा है आपको सर। सर मैं कल एक ही वीडियो देख पाया अभी तक। किस और किसने नहीं देखी है? आपने मुझे तीन भेजी थी ना। ठीक है सुमित जी, बाकी से पूछते हैं, और किस किसने नहीं देखी है? मैंने भी नहीं देखी थी। तो आप लोग उस वीडियो को अभी देखेंगे, ठीक है? मैंने आपको ग्रुप में भेजा हुआ है, 21 वाली क्लास की ग्रुप में, सेंड डेटा वन सीट टू अनदर सीट यूजिंग द वीवीए मेथड। सुमित जी आपको भी भेजा है, बाकी सबको भेजा है मैंने, एंड अभिषेक जी आपको भी भेजा है मैंने। हाँ हाँ मैंने देखा। हाँ तो आप लोग उस वीडियो को अभी देखिए और उसी तरह का एक फॉर्म, मैं तो ऐसे उस वीडियो में मैं तो एक सिंपल सा फॉर्म, सिंपल सा दो तीन बॉक्स को लेके कर दिया हुआ है, लेकिन आप एक कोई एक फॉर्म डिजाइन करें, जैसे कॉन्टेक्ट अस का या इंक्वायरी फॉर्म या विजिट फॉर्म या किसी तरह का एक फॉर्म बनाए और उस मेथड को उस पर अप्लाई करें। एक काम आपको अभी करना है, कल परसों नहीं, ठीक है? कल क्लास नहीं लिया था, वीडियो दिया था, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, मुझे बहुत बुरा लगा सर। मैंने इसलिए दिया था कि आज वो आप करके देंगे तो उस पर आगे के सीओ पे डिस्कस करेंगे हम। तो आप क्या करें, उस वीडियो को दोबारा से देखें, जिन्होंने नहीं देखा उसको देखिए, और जिन्होंने देख लिया है उसको वो क्या करें, दोबारा से देखें और मुझे एक फॉर्म बनाए, एक सीट पे फॉर्म है, दूसरे सीट पे डेटा है और डेटा को भेजें, ये बना के मुझे आप अभी दीजिए, फिर हम अगली क्लास में आपको उसमें कंडीशंस वगैरह लगाना आपको सिखाएंगे। ओके बाय, गुड नाइट। मैं वेट कर रहा हूं आपकी फाइल की।